जान बचाकर भागो। मैं वापस नहीं जाने वाली, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमें मार डालेंगी। ओके थैंक यू। चल रहे हमारे सैटेलाइट लिंक की ओर, जहां हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड की डॉक्टर क्लेयर डुबॉइस से, जो एंट्स की एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हमें बताइए ये सब क्या हो रहा है। ये सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एंट्स किसी चीज से डिस्टर्ब हो रही है, माइनिंग या एक्सकवेशन से। वो बेसिकली टेरिटोरियल होती है और अगर उन्हें लगे कि उन पर हमला किया जा रहा है तो वो गुस्से से रिएक्ट करती है। एंट्स आपस में केमिकल सिग्नल्स के द्वारा कम्युनिकेट करती है जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं। उनकी आई साइट वीक होती है पर जो भी उनके इलाके में आएगा वो सूंघ कर फौरन डिटेक्ट कर लेती है। यानी ये इंटेलिजेंट है। या आई मीन जो केमिकल लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करती है वो कमाल का है। एकेटिन बचेलिया ही किस्म की एंट्स जब हमला करती है तो कई हजारों मिलियंस एक साथ होती है। पता चला है कि एक एंट के दिमाग में एक छोटी सी कंप्यूटर जितना प्रोसेसिंग पावर होता है। सोचने वाली बात है, अगर किसी तरह से हम उनके बराबर जाकर खड़े हो पाते तो उनसे काफी कुछ जान पाते। हम इंसान तो एक सुइसाइड बॉम्बर के दिमाग को भी ठीक से नहीं समझते। सुइसाइड बॉम्बर्स के बारे में क्या पता है? यहाँ हम देख रहे हैं कि कई हजार एंट्स जानबूझकर डूब रही है ताकि दूसरों के लिए ब्रिज का फाउंडेशन डाल सके। तुम इसे ये सब बकवास करने दोगे? तो आइए उनसे मिलते हैं जिन्हें हालात से निपटने के लिए बुलाया गया है। थैंक यू जो, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था डॉक्टर डुबॉइस। पर हमारी सोच आपस में मैच नहीं करती। जैसे कि आप कहती हैं चींटियों के झुंड को मर्डी रा मार्चिंग सोसाइटी, ऐसा नहीं है, ये उनकी इंस्टिंक्ट का कमाल है। डॉक्टर हॉरिस लेनर्ड, CEO ऑफ थॉरिक्स इंडस्ट्रीज एंड फॉर्मर कलीग, वर्ल्ड लीडर है इंसेक्ट्स को खत्म करने में। आप इन लोगों को बच्चों वाली कहानियां सुना रही हैं। जब हम सारी बातें हटाकर उनकी बराबरी में जा खड़े होते हैं तो जानती हैं क्या होता है, वो हमें खा जाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो प्लीज कम टू बेंटा और खुद ही देख लीजिए। हाथों में स्प्रे गन लिए उसके बिना कैंप नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वेल थैंक यू डॉक्टर लेनर्ड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एक्सक्यूज मी, तो मजा आया ना तुम्हें? डॉक्टर क्लेयर डुबॉइस, कब आए तुम? कल ही पहुंचा हूं और कल ही काम पर लग जाऊंगा। कैसी जगह है? मोस्टली रेन फॉरेस्ट है, रबर के पेड़ हैं और कुछ जख्मी लोग भी हैं। सोचता हूं दुनिया की सबसे बेस्ट हैम नॉक्ट्रेस मेरे साथ हो तो मजा आ जाए। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे क्रू के साथ फिट हो पाऊंगी। कम ऑन, माय क्रू इज लाइक माय फैमिली, दे लव यू उतना ही जितना मैं तुमसे करने लगा हूं। We can have dinner sometime. Sure. मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। Okay. Okay दोस्तों, अब चींटियों से लड़ने का वक्त आ ही गया है। खेलकर उन्हें मिटाएंगे। भागो।
ओके गाइस, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। यहाँ सब कुछ स्टैंड बाय पे है। हम इस आइलैंड पर टूरिस्ट को आने नहीं दे सकते। पिछली बार जो अंदाजा लगाया था उससे इस बार कई गुना ज्यादा है। 2001 से भी ज्यादा? 2001 से भी कहीं ज्यादा। 2001 में आए झुंड ने 2 साल के लिए उन्होंने इस आइलैंड को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एंट्स इस बार डिफरेंट किस्म की है। डिफरेंट कैसे? ज्यादा अग्रेसिव? या वेरी अग्रेसिव। साला कभी नहीं सुना था कि एंट्स इतने सारे इंसानों को मार रही हैं। इस बार मरने वालों की टोटल ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हाँ, बहुत अग्रेसिव है लेकिन बहुत चालाकी से जंग लड़ रही है। ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे। आज आग से कुछ कोस पहले ही वो रुक गई, वरना आग लगने तक वो बढ़ती रहती थी। लेकिन इस बार बहुत पहले रुक गई, मानो वो जानती थी कि आग लगने वाली है। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? तुमने डिफेंस के सारे इंतजाम अच्छे किए थे ना, तो क्या ये प्लांटेशन भी खत्म हो गया है? सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, वेल, हमें उन्हें इस खाली जगह पर किसी भी तरीके से लाना होगा। कॉर्टेस, तुम और आर्मी सीधे बीच के हिस्से तक जाएंगे। बिल और मैं दाईं ओर से आएंगे और हम उन्हें फांस लेंगे। आपने सही लोगों को चुना है सर, और हम इसमें कामयाब होकर रहेंगे। कम्युनिकेशन चेक में बिल्कुल आवाज आ रही है। गुड हेलमेट इमेज, स्विच टू पीओवी। पीओवी इमेजेस अच्छी तरह मिल रही है। कॉर्टेस, तुम्हारा जीपीएस डाउन है। ओह, ऑन करूंगा तभी तो चलेगा। सॉरी यार। क्लाइमर टीम, टेलीमेट्री शोज लॉक एंड लोडेड। चलो चले दोस्तों। नो मोर कॉर्टेस, नॉर्थ से आगे बढ़ोगे और हम पूरी तरह से सेंट्रल वाले हिस्से पर वार करेंगे। एक पॉइजनस हैंड दूसरी हैंड को छुएगी तो वो मर जाएगी। समझ गया, बच्चे थोड़ी हैं। ऑल सेट? एनी क्वेश्चंस? लेट्स गो। कंट्रोल, स्प्रे करके खत्म करो। वहाँ क्या हाल है डेब? इमेजेस तो ठीक हैं, रिकॉर्डर्स चल रहे हैं। फिर से कहो, आवाज कट रही है। कोर्टेस के आसपास अभी बहुत सारी हैं। अरे यार, मुझे तो उसके साथ वहाँ होना चाहिए था। प्लान के मुताबिक ही चलो बिल, हम आगे की सोच सकते हैं, यही तो एक फायदा है। तुम्हारा कांटेक्ट हो पा रहा है? मेरा तो काम नहीं कर रहा। डेब, क्या हम किसी पावर एरियल के पास हैं? हाफ माइल की दूरी पर एक नया सेल टावर है, पर अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। लैन, क्या तुमने सुना? अभी वो ऑपरेशनल नहीं है।
सुन लिया। वो क्या है लैन? तुम्हारे पास कोई अजीब सी चीज है। टेलीमीटर लिंक टूट रहा है लैन। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? लैन, लैन, डेब, डेब, ये सब तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता बड़ी? क्या कहना चाहते हो? मुझे पता नहीं पर यहाँ बहुत खामोशी है। हाँ वैसे ये बात मुझे भी महसूस हुई। लैन, रिपोर्ट। इस कॉम लिंक को क्या हो गया? लिंक? वो क्या है? ये पूरी तरह अलग से बना हुआ है। चलो खत्म करते हैं। डोंट मूव। डेव, क्या तुम इसे देख रहे हो? डेव, डेव, डेव काम काम नहीं कर रहा। ए, देखो, आओ देखिए क्या करती है। चलो आ रहा हूँ यार। और ये तो आपस में क्रॉस कर रही है पर फिर भी अलग अलग है। मुझे तो कोई खाना ट्रांसपोर्ट होते नहीं दिख रहा। अभी बात कर रहा हूँ पर ये मुझे फोन करने जैसी लग रही है। जरा ऊपर देखो, लगता है घर बचा रखा है। अंडे देना और हमला करना ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ। जरा संभाल के। करोड़ लड़ू, मुझे बचाओ, पकड़ो। अंदर नहीं घुसी है। कॉटेस, फौरन यहां आओ। बिल्कुल कुछ हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। इसका सूट निकालने में मदद करो। आराम से चलो। What's going on? मुझे यहाँ इस एरिया में कुछ अजीब पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। ओके, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। गुड जॉब। हे, ये ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं। क्या तुम लोगों ने देखा था जब वो टहनी नीचे आई थी तो क्या हुआ था? नहीं, बहुत पहले ही कांटेक्ट टूट चुका है। मतलब तुमने कुछ नहीं देखा? क्या नहीं देखा? कुछ नहीं, बस एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन स्वीप कर लो, मैं बाद में आकर देख लूंगा। ओके।
क्या है? कुछ नहीं। तुम जरा आकर देखो इसे। वेल, एंट्स के झुंड ने खेतों को उजाड़ दिया है। ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, पर अभी मैंने इस पर फिल्टर लगा दिया है। क्या ये असली है? हाँ, ये वाला और ये वाला और ये भी। यहाँ नदी के ऊपर मिट्टी का ढेर है। ओके, तुम्हें इसकी हार्ड कॉपीज बना लेनी चाहिए चुपके से। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर मुझे पता लगाना होगा। अटेंशन प्लीज, मिनिस्टर सिंह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा डॉक्टर लॉरेंस नैनट को और थॉरेस इंडस्ट्रीज को इन इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए। हमारी आर्मी और अमेरिकन साइंस के एक्सपर्ट्स के बीच हुई पार्टनरशिप ने काफी कुछ कर दिखाया है। अब ये देश पहले की तरह काफी सुरक्षित और बेहतर होगा। किसी दिन इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और हो सकता है एक दिन डॉक्टर लेनेट हमारे साथ अपना सीक्रेट फॉर्मूला भी शेयर करें। ये जाम डॉक्टर लेनेट और उनकी टीम के नाम। चीयर्स, 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 चीयर्स। सिटी का सबसे बेस्ट बार कहते हैं और यहाँ एंड्स भरी पड़ी हैं। सारा काउंटर उनसे भरा है, बार बार मेरे ड्रिंक में गिर रही है। मुझे तो कोई एंड्स नजर नहीं आ रही। मुझे हर तरफ नजर आ रही है, अपने ऊपर भी महसूस कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ उसका अब भी तुम पर रिएक्शन हो रहा है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल नहीं है लेन, जो आज हमारे साथ हुआ वो नॉर्मल नहीं है। जिस तरह उन्होंने हम पर वो पेड़ गिराया वो पहले से प्लान्ड था। कैसे हो तुम दोनों? सच कहूं तो तुम लोगों ने अपना काम अच्छी तरह से नहीं किया। नो सर, देखो एक अभी भी बची हुई है, आपने एक जिंदा छोड़ दी। निकलो, चलो जल्दी करो। साला ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। What? बिली का दिमाग खराब हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। लेन उसे ठीक कर देगा। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो वो है लेन, पर मुझे फिक्र हो रही है। किस बात की फिक्र हो रही है? बिली, क्या कहूँ, विलियम राउटलेज PhD, BSc एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉलेज में लेन का प्रोफेसर था। जब लेन पहली बार उससे मिला था तो नशे में धुत था। लेन उसे याद आया, उसे नौकरी दी, उसे उसकी जिंदगी वापस दी, जुए का सारा कर्जा भी चुका है। लकी है साला, अभी 5 साल पहले ही। हाँ है, तो अगर वो फिर मुसीबत में होगा तो लेन मदद करेगा? जरूर करेगा, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Stop the music. रोक दीजिए। Attention everyone. Attention. सारी छुट्टियां कैंसिल और सारे मिलिट्री पर्सनल अपने अपने यूनिट को फौरन रिपोर्ट करें। थोर एक्सट्रीम, मेरे पास आइए प्लीज। क्या बात है,
बैंटाओ में नया झुंड देखा गया है। इम्पॉसिबल है ये। वो एक सीजन में दो बार झुंड में नहीं निकले। हाँ, इस बार वो निकले हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार नदी तक आ पहुंचे। ये सही नहीं हो सकता। एस्टिमेटेड साइज पहले के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है। ये गलत होगा। इस आइलैंड पर इतनी एंट्स नहीं है। कैन आई यूज योर फोन? हाँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा आप सुनो दोस्तों, कल हमने जो कुछ भी किया वो अब दोबारा करना होगा। ऑल राइट? क्लियर। मैं लैन बोल रहा हूँ, जो टेक्स्ट भेज रहा हूँ उसे सब समझ जाओगी। बस जल्दी से बैंटाओ एयरपोर्ट पहुंचो, मैं तुम्हें वहां से पिक करता हूँ। बाकी बातें मिलने पर। अचानक सब कुछ बदल कैसे गया? अब हम बैग पैक करके यूरोप नहीं जाने वाले हैं। हम नहीं जाने वाले हैं, अफसोस की बात है। That's sweet. ऐसा क्यों करते हो? मैंने फोर्ब्स आर्टिकल देखा, 35 साल से कम उम्र में 20 मिलियनेयर की लिस्ट में तुम्हारा नाम है। कंग्रेचुलेशंस। उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी लग रही है। सारा प्रॉफिट वापस बिजनेस में लग जाता है और मैं एक ट्रेलर में रहता हूँ। और सच कहूँ तो मैं भी यहाँ से वहाँ भटकने वाला लैन ही हूँ। भटकने वाला मिलियनेयर? वाह, कई अजीब बात है। तुम अपनी सुनाओ प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट? इतने बड़े आर्टिकल्स और तुम्हारी बुक के बावजूद, जो वाकई बहुत अच्छी रही थी, और ये बात मैंने पहले कभी नहीं। तुमने वो पढ़ी? कवर टू कवर। यकीन नहीं होता कि अब भी तुम टेन्योर के पीछे पड़ी हो। अब तुमने मेरी बुक में पढ़ा तो होगा कि सभी को इन इंसेक्ट्स के झुंड में इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता। ये कोई एंटरटेनमेंट स्टफ तो है नहीं। चलो, हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। अच्छा, वो क्या है? यू नो, अब तो हम दोनों इस काम में माहिर हो गए हैं, क्योंकि मैं इंसेक्ट्स को मारता हूँ और तुम्हें ये इंटेलिजेंट लगते हैं। ओ लेन, ये मेरी थीसिस के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। क्या हुआ? मान लो अभी रास्ते में कोई लड़का तुम्हारे पास आकर तुम्हें ये एविडेंस दे कि तुम्हारी थीसिस करेक्ट थी, तो क्या? तुम उस फोटो और टेक्स्ट की बात तो नहीं कर रहे जो मुझे फॉरवर्ड की है? ऐसे लड़के को बदले में क्या मिलेगा? एक किस या फिर जंगल में मंगल? क्या बकवास कर रहे हो? ये बैंटाओ पर हमला होने के बाद ली गई थी। पर ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब एंट्स ने बनाया है? देखकर ऐसा ही लगता है। पर इस काम के लिए तो दिमाग चाहिए। ये बात तो तुम पहले से कह रही थी। मैंने ये कब कहा उन्हें केमिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योमेट्री आती है? मैंने कुछ और भी देखा है। जैसे कि? जरा इसे देखो, ये एक टेंटिकल है। पता नहीं इसे और क्या कहूँ, ये सिर्फ एंड से बना हुआ है। मेन झुंड में से उठ खड़ा हुआ था, बिल्कुल कोबरा की तरह। और यहाँ सबसे ऊपर बहुत सारी आंखें जो बाहर की ओर निकली हुई हैं, और एंटीना पीछे की ओर है। और कसम से कहता हूँ, वो मुझे घूर रही थी, मुझे पढ़ रही थी। उन्होंने जानबूझकर मेरे पार्टनर के ऊपर पेड़ की टहनी दे मारी।
वो हमें किसी भी वक्त मार सकते हैं। पर उन्होंने एक बार हमें अच्छी तरह से देखा और फिर हमें जाने दिया। बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो तुम्हें क्या लगता है? यही कि एनायंस की एक सुपर कॉलोनी काफी समझदार हो गई है। तुम्हें पता ही क्या है? तुम्हें ये कहां से मिला? ये राइट है। तुम्हें ये कहां से मिला? मेरे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने आम पॉपुलेशन में ये नोटिस किया, तो हमने पूरी दुनिया से एंट्स के स्पेसिमेंस मंगवाए। अफ्रीका, द अमेज़न, जहां ये झुंड मिलते हैं, यू नो। इन एंट्स के 70% सैंपल में मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। मैंने सारा प्रोसीजर रिवर्स किया। कितने सालों से तुम ये बातें कहते आए हो? शायद 8। और अब ये ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा है। क्लियर, मैं अपने लैब में बैठकर पागल साइंटिस्ट की तरह इंसेक्ट्स को मजे के लिए मारने के तरीके नहीं ढूंढता रहता हूँ। मैं और मेरी टीम वहाँ जाते हैं जहाँ हमें बुलाया जाता है, और हम जान बचाते हैं। उसके लिए लोग हमें थैंक्स कहते हैं। फिलहाल तो ये इन्हें रोक लेगा। सैंचेस, तुम और जैकबसन इन पर नजर रखो, ओके? इसे मॉनिटर करो। और कॉर्टेस, तुम इसके इंचार्ज हो। कैसा तुम कहो बिली? तुम आखिर कहां चले गए थे? साला, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम दोनों गुलझरे उड़ाने गए थे क्या? बस करो बिल, ये प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है। मैंने कभी एंड्स को ऐसा करते हुए नहीं देखा। इतनी एंड्स यहां है उतनी पूरी दुनिया में नहीं होंगी। चलो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। कमान, थैंक्स यार कमान। वो आ गए। हेलो, आओ चलें। हमने ये सब पहले कभी नहीं देखा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस झुंड में करीब 200 मिलियन एंट्स हैं। 200 मिलियन ये नामुमकिन है। मुझे तो लगता है और होंगे। ये बिल्कुल मुमकिन है। हम 20 लोग खो चुके हैं। अगर इन एंट्स ने नदी क्रॉस कर ली तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और फिर तुम इन बातों के बारे में क्या जानो प्रोफेसर डुबोइस? इस तरह की बातें स्टेंजन में कहां है? बेल, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम चुपचाप कोई बात नहीं सुन सकते क्या?
लोकल्स ने इनमें से ही थोड़ा सा सैंपल लिया है। पर इसमें तो आधा डजन अलग अलग किस्म के एंट्स हैं। जब पहली बार हमें ये जार मिला था तब ये एक साथ थी, बिल्कुल एक साथ। अलग अलग किस्म की नहीं हो सकता, एक किस्म की एंट्स ही झुंड बनाती हैं। ये बाहर वालों को बर्दाश्त नहीं करती, उन्हें आपस का फर्क पता चल जाता है और फिर ही उन्हें मार डालती है। ओ, बिल्कुल जैसे ही कर रही है। एग्जैक्टली, लेकिन जैसे ही वो इस कंटेनर में गई वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगी, लेकिन जैसे ही वो अलग हुई वो आपस में लड़ने लगी। पर जब वो झुंड में थी तो एक ही फेरोमोन है और वो है मिलजुल कर काम करना। इन लोगों का एक ही मकसद है, वो वहां पर क्या है? आइए मैं दिखाता हूं। अच्छा सब लोग ध्यान दो, ये है बनोम आइलैंड पर बसा गांव। एरियल रिकॉन से पता चला है कि 50 लोग अब भी वहां हैं और एंट्स अब तक नदी पार नहीं कर पाई हैं, अब तक नहीं। हमें उन्हें बचाना होगा फौरन। वहां तक बोट्स जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, इस वक्त हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इन एंट्स को किनारे से दूर कैसे रखा जाए। हम हर जगह पर डिफेंसिव पोजीशंस बना लेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ। क्या मैं इस जाल को अपने साथ ले जा सकती हूँ? मैं इसे और करीब से जांचना चाहूंगी। लेट्स गो। कटिंग तो ठीक है ना? काफी बड़ा है। ये उस आदमी के लिए बना था जो तुमसे इतना लंबा था। हाँ, आदत पड़ जाएगी। कहाँ चला गया साला? ओह वहाँ है। बिल, तुम जाने की हालत में हो? टैंक लेवल्स बिल्कुल ठीक है ना? हम ये टीम के लिए करते हैं, है ना? हाँ ऑफ कोर्स करते हैं। राइट। क्या मतलब है मैं जाने की हालत में हूँ या नहीं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चला कर देखो प्लीज। मैंने कहा था मैं स्प्रे को यूज नहीं करूंगी। यार मुझे तुम फिट नहीं लग रहे हो। अच्छा मैं फिट नहीं लग रहा? तुझे भी तो ये काम मैंने सिखाया है, पता है कब से कर रहा हूं मैं? मेरी बात मानो, इसे गले में लटका रहने दो अगर ठीक समझो तो। मेरा वादा है ये ज्यादा देर नहीं लटकी रहेगी। अबे गंजे तू अपने काम से काम रख। कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है।
कहा ना मैं स्प्रे को यूज नहीं करूंगी। ट्राई करो शूट करो शूट करो। पुराने जंगल के बीचों बीच हूं, लगता है यहां से एक रास्ता है। जरा देखने दो मुझे। देख रहा हूं तुमने अपना वेपन इस्तेमाल किया है। हाँ, इसे बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, पर मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। अगर मैं और कॉर्टेस पुरानी फैक्ट्री की तरफ बढ़े तो हो सकता है हम उन्हें घेर ले और खत्म कर दें। लैन ने कहा है ऐसा कुछ मत करना। नहीं सोच रहे हो बिल? हे लेन, नहीं है, तुम उसे कॉम पर दिखाओ, ये हालात ज्यादा देर तक ना रहे। कॉम में गड़बड़ी हो गई है, उसने अब तक रिपोर्ट नहीं किया। मैं कॉर्टिस को तुम्हारी पोजीशन पर बुलाती हूँ। जहाँ हो वहीं रहो। तुम्हें जो करना है तुम करो डेप्स, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आर यू क्रेजी? बिल वहीं रुको। इसका नाम यिंग है, ये अनाथ है। इसका भाई दो दिन पहले शिकार करने जंगल में गया और वापस नहीं आया। लेन मुझे डर लग रहा है। कॉर्टिस, कॉर्टिस, कमिंग कॉर्टिस, 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 बिल के पास पहुंचो। ठीक है। क्लेयर, तुम देख रही हो उस चीज को जिसे तुमने पसंद किया, सारी जिंदगी उन पर पढ़ाई की, और एक झटके में एक इंसिडेंस ने तुम्हें उनका डेंजरस साइड दिखा दिया, एक किलर साइट। और तुमने कुर्सी के बजाय गन उठा ली, यही मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। कॉर्टेस, अगर इस बकवास से कॉम पर तुम मुझे सुन सकते हो तो सुनो। मैं फैक्ट्री के नॉर्थ ईस्ट में 20 yards की दूरी पर हूं। कम एंड फाइंड मी। बिल, मैं देखकर खुशी हुई है। ठीक है, ठीक है।
डोंट मूव। ऊपर भी मत देखना। नहीं, मतलब हाँ, इनकी बनावट तो देखो। समझो हर एंड एक स्विच है जिसमें हाँ या ना कहने की काबिलियत है। मतलब बाइनरी कोड की तरह वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तुम्हारे कहने का मतलब है ये कंप्यूटर है? That's crazy. शायद हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए. हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है. ये देखो, कोशिश कर रहे हैं. वो हमें मारते हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं. बैंटाओ चाहिए. क्या फिर से कहना? ये एक बैंटाओ चाहिए. हाँ, ये बैंटाओ है. अमेजिंग. इसने ठीक कहा, उन्हें ये आइलैंड चाहिए. पीछे हटो. उसे हॉस्टेज बना लिया है, उसे कुछ नहीं होगा. हमें जाकर मैसेज देना है. डरना मत यिंग, हम वापस आएंगे. हम क्या करेंगे? जो हमने अभी देखा, कुछ समझ में नहीं आया कि वो है क्या. हमें उसे वापस लाना होगा. उन्होंने ये सब कैसे सीखा? एंट्स अचानक समझदार हो गई हैं. एक ही झटके में इतना एवोल्यूशन? ये एवोल्यूशन नहीं है. ग्रोथ और एवोल्यूशन में ऐसे चमत्कार? प्लीज, यहाँ कुछ और ही हो रहा है. क्रुएल्टी, डिसेप्शन. एवोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है क्लेयर. उनके रहन सहन में, उनके नर्वस सिस्टम में कोई बाहर की चीज शामिल हो गई होगी. और हमें पता है दोष किसका होगा. Oh, thanks.
क्या वो हमारे पीछे आएंगे? I don't think so. मैं हमेशा एंस को पत्थर पर चलते हुए देखती थी और सोचती थी कितनी समझदार होती है, पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी देखूंगी। मैंने भी ये सब पहले कभी नहीं देखा है, बिलीव मी। क्या यिंग ने जो कहा वो सच होगा कि वो एन सोचती है कि ये आइलैंड उनकी जागीर है? नहीं, वो कह रही है कि हम इस पर कब्जा कर रही हैं। वैसे सिंह को भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन हम ही उनसे नहीं कह सकते। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ हूँ क्लिया। बाहर में गया कॉन्ट्रैक्ट, तुमने उनसे कहा कि वो फौरन वहाँ जाकर उस जगह को ब्लास्ट कर देंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उनसे कहना ही होगा। लेकिन वो हमारी बात सुनेंगे। हमारी? हमारी? हमें 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 ये सब साथ में करना होगा, और हमें चैन की मदद चाहिए होगी यिंग को वापस लाने में। Are you all right? Suits? Sorry about that. कोई बात नहीं। अब ठीक लग रहा है। से तुम्हें कुछ याद आया? ये वेनिस की कोई जगह लग रही है। हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर डुबोई। तुमसे मिलकर भी। Как вы? В порядке? Да, все хорошо, мы целы. Держитесь, мы едем. Хорошо, как ты? Мы в порядке. Спасибо. Мэм. कॉर्टेस है। हम तो मर ही गए होते। तो क्या हुआ? हमारा सामना एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीशीज से है,
एफआईआर किए हैं वो इंसान नहीं है, वो इंसेक्ट्स हैं। वो अपने बचाव के लिए वेपन्स नहीं बनाते, वो अपने जैसे या अलग किस्म की स्पीशीज की मदद लेते हैं। कई मिलियंस ने मिलकर डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैट्रिक्स जैसा कंप्यूटर बनाया है। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंड आइडिया या फिर समझ को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि वो इसे विजुलाइज भी कर सकते हैं, वो भी 3D। और उन्होंने एक लड़की को बंदी बना रखा है। लैन, तुम्हें इन बातों पर यकीन है? हमने जो देखा हमने बता दिया। तो इस सब का मतलब क्या है लैन? उन्होंने हमारे एक आइलैंड पर कब्जा करने की बात कही है, और मैं यहां कह रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता। हजारों लोग मारे गए हैं, सब के सब मारे गए, शहर के शहर बर्बाद हो गए, खेत खलियान तबाह हो गए, सारे जानवर मारे गए हैं, जमीन बंजर हो गई है, टूरिस्ट जा चुके हैं। हाँ, हमने उन्हें नहीं रोका। तुमने उन्हें नहीं रोका? नहीं, वो पीछे हट गए। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा कहा होगा। नो, बिकॉज वी स्टॉप किलिंग देम। नहीं, हम एंड्स के साथ किसी भी तरह से नेगोशिएट नहीं करने वाले हैं। डॉक्टर लेनर्ड, व्हाट डू यू एडवाइज? मैं वही करूंगा जो करना चाहिए। चलो चलकर उन्हें मार डालते हैं। वेल, प्लीज प्लीज। देखो, हमें यिंग को वापस लाना है, बस मुझे और डॉक्टर डुबॉय को उनसे नेगोशिएट करने दो। अच्छा, गुड। डॉक्टर लेनर्ड, इसी वक्त उन्हें खत्म कर दो, बड़ा मजा आएगा। हा? हा? अच्छा है ना? अच्छा, गुड, शाबाश। तो डॉक्टर लेनर्ड, आप उन्हें कैसे बताएंगे कि हम ये लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, या हम उन्हें आइलैंड का एक हिस्सा दे दें, मतलब कि नदी के पश्चिम का? ये तो आधे से भी आधा हुआ। मेरा यही ऑफर है, वरना मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त। थैंक यू मिनिस्टर। चलो चले। बराबरी में उतर कर बात करो। वो हमें खा गए और मैं कुछ नहीं कर सका। वो बहुत अच्छा इंसान था और एक बहुत अच्छा दोस्त। बात यह है कि उन्होंने उसे मार डाला। I mean, ये तो मुझे पता था कि उसे मार डालेंगे, पर जिस तरह से उसे मारा, बहुत ही बुरी तरह से, ऐसा लगा जैसे वो साले हमारे लिए जाल बिछाए बैठे थे और हम सीधे उसमें बस फंसते चले गए। तुमने पूरी कोशिश की बिल। ऐसा लगता है मानो जितनी बार हम उन पर वार करते हैं वो साले उतना ही चालाक बनते जाते हैं। ऐसा जैसे वो सीख रहे हैं। अगर वो सीख रहे हैं तो उन्हें सीखा जा सकता है। हाँ हाँ, हम उन सादे हैंड्स को देखते हैं, हम उन्हें सिखा देंगे कि हमारे साथ पंगा लेने का मतलब क्या होगा। मुझे पता है तुम कॉर्टेज के लिए दुखी हो और हम सब भी दुखी हैं, इसीलिए मैं और क्लेयर एक प्लान बना रहे हैं। यिंग उनके पास है, हम उसे वापस लाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या वो ठीक है?
क्लेयर, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूँ? श्योर। मैं पता लगा रही हूँ कि इनमें इतनी यूनिटी क्यों है। यहाँ पर अलग अलग तरह के एंड साथ मिलकर काम कर रही हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कैन यू हेल्प मी प्लीज? श्योर, बताओ तुम्हारे पास क्या है। हाँ तो मैंने ये वाली यहाँ रखी। ओके, इस वाली के साथ। और यहाँ क्या है? मेरे नोट्स वहाँ है। ओके, जरा इन्हें भी देखें। तो मैंने इस तरह शुरू किया। हाँ, और फिर कुछ ऐसा हाथ लगा। पता नहीं, हो सकता है कुछ नतीजा निकले। ऐड करूं, मैं आती हूं। ओके, या ओके। बिल, डोंट मूव। बिल, भाई रुको। एक मिनट रुको। अब तुम्हें क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, एक मिनट। वो अंदर नहीं घुस सकते बड़ी। एंड्स, उसे मौका ही नहीं मिला। तुम ठीक तो हो बिल? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं जानती हूँ हमने कभी आमने सामने बैठकर बात नहीं की, पर मैं बताना चाहती हूँ कि कॉर्टेस के साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। बहुत बुरा हुआ। अगर कुछ है जिसमें हम मदद कर पाए तो। वेल, चलती हूँ। क्लेयर, जब मैं कैलटेक में पढ़ाता था तो क्या थोड़ा बहुत जानता भी था? आई मीन, क्या मैं अच्छा था? इस बात पर ज़ेलेंस्की कमेंट कर सकते हैं या यूएन के पॉल वर्टो। सोचता हूं कि कभी कोई किसी से नहीं कहता कि तुम अच्छे हो। साला कभी नहीं। लेन और मैं तो तुम्हारे साथ है ना। तुम लेन का ख्याल रखना। तुम यहीं रुको और एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम सो जाओ बिल। क्या है?
है वो। I'm sorry दोस्तों, मुझे हैंगओवर की वजह से ज्यादा वक्त लग गया। हम इन्हें पहनकर नहीं जाने वाले बिल। नहीं नहीं, इस बार हम सूट से ही पर छोड़कर जा रहे हैं बड़ी। तुम सच कह रहे हो? तुम उस केव में ये सूट बिना पहने जा रहे हो? अब मजाक मत करो यार, कोटेज की तरह वो हमें जिंदा खा जाएगी। हम नेगोशिएट करने जा रहे हैं। नेगोशिएट माय फुट वो भी हैंड से। लेनी है? नहीं, इस बार सिर्फ मैं और क्लेयर जाएंगे। अच्छा, ओ हाँ, क्यों नहीं, मेरा मतलब जैसा तुम कहो यार, आखिर तुम बॉस हो। क्या मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकता हूँ? जाओ। लेने तुम मुझे ये करने दो, अपने साथ चलने दो मुझे यार। कोटेस का यार मैं मान लो, अगर तुम फंस गए तो तुम्हें बचाने के लिए कौन होगा? हा? ये या मैं? प्लीज लेन। ऑल राइट, कोई वेपन्स नहीं और ना ही कोई शूट्स। नहीं, बताता हूं, ये कंप्यूटर है। हाँ, ऐसा लगता है। बड़ी चालाक है कमीनिया। तुम ठीक हो ना फिर? हाँ मैं ठीक हूं, चलो लेट्स गो। चलो मुझसे दूर रखो। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगी। दूर रखो इसे मुझसे। लेन, चार हैंड्स और एक इंसान, ये एक ऑफर है। नेगोशिएट कर रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? डोंट मूव, ऊपर मत देखना। अभी तक काम हुआ नहीं क्या? अभी नहीं बिल, हम अभी भी निगोशिएट कर रहे हैं। अब हमें बाहर निकलना चाहिए। नॉट नाउ। ओ हाँ लेन, अभी What?
What are you doing? इन हरामजादों का किस्सा खत्म कर देना चाहता हूँ। बच्ची को ले जाओ। एंड सब मिटाना है। खत्म कर दो। लगता है मजा आएगा। Just wait. Bill. Bill. मैं और नहीं रुक सकता। जाओ। सिर्फ 3 मिनट बचे। अब से। Bill. क्वीन का कॉन्सेंट्रेटेड फेरोमोन है और इसकी गंध भी अलग है। उसे भेज दो। जाओ यहां से। अब भागो। Come on, move. यहां छुप जाओ, यहां पर। ओके, जल्दी। मैं बिल के पास जा रहा हूं। बी केयरफुल। Thank you.
हम तुम्हें करोड़ों करोड़ों देते हैं और बदले में हमें ये मिलता है, एंट्स, एलियंस, स्पेसक्राफ्ट और एक बड़ी सी एंट, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि यहां पर क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था यहां, समझ गए सब? ना एलियन, ना स्पेसशिप, कुछ नहीं। हम लोगों की सेफ्टी करेंगे उन्हें कुछ भी ना बताकर, कुछ भी नहीं। जा रहा हूं। बी केयरफुल।